अस्सलामुअलैकुम। मैं इनको ये कहूँगी ये तुम्हारे बाप का मुल्क नहीं है, ये मेरा मुल्क है, ये मेरा मुल्क है, ये इस 22 करोड़ अवाम का मुल्क है। तुम्हारी जो मर्जी आएगी तुम उठा के फैसला कर दोगे, ऐसा नहीं हो सकता। लिथड़े हुए हो, गंद में, करप्शन में, कातिल हो, बेगैरत हो, घटिया हो, कोई लफ्ज ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पे जो पूरा ना जाता हो। तुम इमरान खान को कुछ कह के तो देखो। हमने पहले भी कहा था हमारी रेड लाइन है इमरान खान, और हम आज भी कहते हैं माइनस, तुम माइनस वन करते हो, हम उसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे और तुम्हारा बेड़ा गर्क होगा। कहानी खत्म होने वाली है, इनका एंड होने वाला है। जब बुखला जाता है ना आदमी, तो वो फिर इस तरह की बकवास, इस तरह के केसेस निकाल के ले आता है। आप मुझे बता दें कि इस केस में कहां से ले आए, कौन सा केस? दोशाखाना भूल गए हो? गिलानी, जरदारी, नवाज शरीफ, वो नजर नहीं आता तुम्हें? तो आज उस जो कहता था ना खान के, ये जो इलेक्शन कमिश्नर है, ये इनकी, इनके घर का पाला हुआ एक, मैं कहना नहीं चाहती वो वर्ड्स, क्योंकि मेरे लीडर ने ना मेरी तरबियत ऐसी नहीं की, इनके घर का पालतू है वो। और आज वो स्टैंप कर दिया इन्होंने कि वो जो कहता था वो सही कहता था। हम इमरान खान के साथ हैं, खड़े हैं, खड़े रहेंगे टिल लास्ट ब्रीथ। डराने जितना डरा लो, तुम्हारी औकात ही नहीं है डराने की। मेरा सिर्फ ये मैसेज है, और मेरा मुल्क है ये, किसी के बाप का मुल्क नहीं है ये। आज इम्पोर्टेड हुकूमत ने अपना रंग दिखा दिया। हम पहले भी कहते थे कि ये इलेक्शन कमीशन इस हुकूमत का तुफैली है, ये पीडीएम की बी टीम है। और आज जिस केस में उन्होंने इमरान खान को नायल करार दिया है, ये इनकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन इस केस को सुनने का मजाज ही नहीं था, और उन्होंने ये फैसला किया इस कौम के उस दलेर, बहादुर और नडर लीडर के खिलाफ, जिसके साथ आज पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम खड़े हैं, जो पिछले ही हफ्ते पाकिस्तान के उन तमाम शहरों से क्लीन स्वीप करके आया है जहाँ जहाँ भी ज़िमनी इंतखाबात थे। और कौम का इतना हर दिल अजीज लीडर जो जिस सीट पे खड़ा होता है वहीं से जीत जाता है, और उसको ये इम्पोर्टेड हुकूमत और इनके हवारी और ये झूठा इलेक्शन कमीशन इस तरह की सजा दे, उसको ना अहल करे। मैं ये समझता हूँ ये इनकी भूल है, इस इलेक्शन कमीशन की, इस हकूमत की, जो अमेरिका नवाज हकूमत है, ये इनकी भूल है कि वो माइनस वन के फार्मूले पे कामयाब हो जाएंगे। माइनस वन का फार्मूला उनके लिए तो ज़रूर बड़ा दिलकशी रखता होगा, लेकिन तहरीक इंसाफ जो है वो इमरान खान है, इमरान खान पाकिस्तान है, और पाकिस्तान इस कौम की पहचान है। सो इसलिए इमरान माइनस इमरान कोई फार्मूला हम कबूल नहीं करेंगे। नामंजूर, 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 नामंजूर। हम माइनस वन के फार्मूले को पांव की नोक पे रखते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि आज पूरे मुल्क के आवाम फैसला सुनने के बाद खुद ही सड़कों पे निकल आए हैं। खैबर पख्तूनख्वा का कोई शहर, कोई करिया, कोई गली, कोई कस्बा, और पूरे पंजाब और सिंध का कोई इलाका ऐसा नहीं जहाँ पे आज एहतजाजी मुजाहरे ना हो। ये लोग खुद ही निकल आए हैं हर शहर के अंदर, और सारी सड़कें बंद है इस वक्त, मोटरवेज बंद है इस वक्त, एक सूबे से दूसरे सूबे को जाने का रास्ता बंद है। ये इमरान खान ने नहीं कहा कि बंद करो, ये आवाम ने खुद नफरत का इजहार करते हुए इस रिपोर्टेड सरकार और इस इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और इमरान खान के साथ इजहार यकजहती के लिए आज खुद निकल आए। आपके अब्दाबाद के अंदर 4-5 जगहों से शहर बंद हो चुका है। मिसाइल चौक में अलग जुलूस है, जदून प्लाजा के आगे अलग है, सप्लाई में अलग है, वो रोड ही बंद है कि उस तरफ हम जा ही नहीं पाए।
और ये इधर शहरियों का ये जुलूस है इस जगह पे, तो मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत के लिए ये घड़ी सोचने की है, फिक्र की है। जिस इनकलाब को हम सोच रहे थे वो आज इस हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने खुद ही शुरू करा दिया है। और ये लोग जो सड़कों पे निकल आए हैं, अब ये इतनी आसानी से वापस नहीं जाएंगे जब तक कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत को घर बेच के ना जाए। हम आज रात तक इंतजार आज अभी दो तीन घंटों के बाद बनी गाला से कोई पैगाम जारी होने की तवक्को है। हम मुंतजर हैं खान के पैगाम के लिए कि वो जिस वक्त कहेगा हमारे काफिले इस्लामाबाद का रुख करेंगे इंशाल्लाह ताला। कमीशन ने जो गैर मुसलमाना फैसला किया है इस पर सारी कौम जो है वो एहतजाज कर रही है। सारी रोडें बंद है, बड़ी मुश्किल से यहाँ बहुत बड़ा हजारों की तादाद में लोग होते हैं, बहुत बड़े लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पहुंच नहीं सकते क्योंकि जगह जगह रोडें बंद है। लोग इमरान खान के इस एक्शन के जो इलेक्शन कमीशन ने किया है इमरान खान के खिलाफ, लोग बहुत गुस्से में है, कौम बहुत गुस्से में है। ये इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट समझ चुकी है कि ये कहीं मुकाबला नहीं कर सकते। इन्होंने इनके पास रिजल्ट आ गया है पंजाब का, पंजाब में से 17 सीटें 18 सीटें पीटीआई जीती है, अब 7 सीटों में 6 सीटें जो है इमरान खान जीता है। इन्होंने देख लिया कि हम इलेक्शन नहीं कर सकते और इन्होंने इस मुल्क को गिरवी करके अपने दिल लगा रहे हैं और ये इस पर डिफॉल्ट करने के चक्कर में है। इनके सारे पैसे बाहर हैं, इनकी औलादें बाहर हैं, अभी जो रिलीजन के कैसे खत्म हो रहे हैं वो भी बाहर निकल रही है। ये पाकिस्तान आपका है, हम सबका है, इमरान खान इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तरीके से हो सकती है, खान साहब के पास कानूनी इस वक्त जवाब क्या है अदालत जाने के लिए, इसी पे बात करते हैं। माहिर कानून मुबीन काजी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत मशहूर हैं आपके वक्त के। मुबीन काजी साहब, क्या बनता है खान साहब के पास ऑप्शन कि खान साहब अदालत में गए हैं और मौकिफ ये अपनाया जा रहा है बहुत से माहिर कानून की तरफ से कि इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार में ये बात नहीं आती कि वो किसी को डिसक्वालीफाई कर सके, वो सिर्फ और सिर्फ डी सीट कर सकता है। जी, इलेक्शन कमीशन के पास जो है वो डायरेक्ट डिस्क्वालिफिकेशन करने का बगैर ट्रायल के या बगैर इलेक्शन ट्राइब्यूनल की फाइंडिंग के इख्तियार नहीं है। उनके पास ये इख्तियार है सेक्शन 232 के तहत, लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि या वो कन्विक्शन हो सेशंस कोर्ट से ट्रायल के बाद, या वो इलेक्शन पिटीशन जो है उसके अंदर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर करते हुए ये ऑब्जर्व किया हो कि ये मिस इसके अंदर कर प्रैक्टिस भी जो है वो कमिट हुई है। इवन इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास भी इख्तियार नहीं है डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई करने का। इलेक्शन ट्रिब्यूनल पूरे ट्रायल के बाद सिर्फ इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर करेगा और वॉइड डिक्लेयर करने के बाद जब उसकी वो जजमेंट को भेजेगा इलेक्शन कमीशन को, और उस जजमेंट के अंदर मौजूद हो कि इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर हुआ है करप्ट प्रैक्टिस कमिट होने के बाद, तो सिर्फ उस सूरत में फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो डिस्क्वालीफाई कर सकेगा। दूसरी सूरत में इलेक्शन कमीशन जो है वो ट्रायल इलेक्शन कमीशन प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करता है या कोई प्राइवेट पर्सन प्राइवेट कंप्लेंट करता है इलेक्शन एक्ट के तहत करप्ट प्रैक्टिस के ऑफेंसेस की, जिसका एक ट्रायल का इख्तियार सिर्फ सेशन जज को होता है या एडिशनल सेशन जज उसकी साथ कर सकता है। तो उसके बाद उसमें वो पूरा ट्रायल हो, ट्रायल के अंदर आपको पता है फौजदारी ट्रायल में बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो भी मुल्जिम को मिलता है, और उस ट्रायल के बाद यानी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट वो ऑफेंस प्रूव्ड हो और उसको सजा हो अदालत से सेशन कोर्ट से, तो उसकी जो जजमेंट इनके पास आएगी उस सजा की बुनियाद के ऊपर फिर इलेक्शन कमीशन जो है उसको डिस्क्वालीफाई कर सकता है। उसके बगैर इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार नहीं है बराह रास्त डिक्लेयर करने का, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कोर्ट नहीं है, कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। और यही चीजें सुप्रीम कोर्ट भी मेंशन कर चुकी है बार बार, हाई कोर्ट भी मेंशन कर चुकी है। और मैं इस पे आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि ये केस पीएमएलएन के एमपीए थे खारिया से, गुजरात डिस्ट्रिक्ट से। जी जी, तारिक की बात कर रहे ना आप? जी जी, एमपीए तारिक जी, एमपीए मियां तारिक साहब, उनके अगेंस्ट मैं काउंसल था और जो मियां अफजल याद के साहबजादे थे वो इसके अंदर वो अब सिटिंग एमपी है, उन्होंने वो पिटिशनर थे। तो इलेक्शन कमीशन में जब हमने फाइल की तो हमने बाकायदा ये प्रेयर की थी कि इनको इनके ये कंसीलमेंट है स्पेन के अंदर एसेट्स की, ईयरली रिटर्न्स के अंदर, तो इनको फाइंडिंग दी जाए
कि इन्होंने ये कंसील किए हैं, और उस फाइंडिंग की बुनियाद पर वो, क्योंकि वो फाइंडिंग बेसिक रिक्वायरमेंट है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, फाइंडिंग होगी ये कंसीलमेंट है, उस फाइंडिंग की बुनियाद पर कंप्लेंट फाइल हो और वो उसके बाद कॉन्सिक्वेंशियली जो है वो उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने हमारी पिटीशन एक्सेप्ट कर ली, जब पिटीशन एक्सेप्ट होकर फैसला मैंने मेरे पास आया, मैंने खोला, उसमें लिखा था उन्होंने बजाय कंप्लेंट फाइल करने के इलेक्शन कमीशन ने खुद से ही डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो मैंने अपने क्लाइंट्स को कहा, मैं कहा ये आप खबरों के लिए ठीक है लगवा लें, लेकिन ये ऑर्डर सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार नहीं था, ये वापस केस रिमांड होगा, बराह रास्त डिस्क्वालीफाई करने का नहीं था इख्तियार बगैर ट्रायल के। उसके ऊपर वही हुआ, वो मियां तारिक गए हाईकोर्ट में, लाहौर हाईकोर्ट में, लाहौर हाईकोर्ट से फॉर विद इन फर्स्ट डेट पे वो सस्पेंड हो गया ऑर्डर, क्योंकि वो ऑर्डर इलीगल था। तो यही वजह है कि मुबीन भाई साहब, आप सीनियर तरीन वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में पेश होते हैं, इतने सीनियर मेंबरान बैठे हैं इलेक्शन कमीशन में, चीफ इलेक्शन कमीशन खुद भी बड़े सीनियर आदमी हैं, हुकूमत के पास भी सीनियर वकला की बहुत बड़ी टीम मौजूद है, खुद आजम तारड़ साहब जो हैं वो बड़े सीनियर वकील है, वो इस मामले को दुरुस्त करार दे रहे हैं, वकला की ज्यादा तादाद इसको गलत करार दे रही है। ये देखें, इसमें तो लॉ बड़ा क्लियर है, अगर आप ये इसकी रेलेवेंट प्रोविजंस को टीवी पे चला सकें तो रेलेवेंट सेक्शंस पे उस पर आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी कि ये अगर कोई पॉलिटिकल माइलेज के लिए मजबूरी है हुकूमत की, उन्होंने कहना है अब लोगों को एक परसेप्शन डेवलप करनी है, लेकिन फैक्ट ये है कि कानून, और मेरी तो चूंकि पॉलिटिकल लॉयल्टीज नहीं है पीटीआई के साथ या पीएमएलएन के साथ, तो मैं तो एज लीगल एक्सपर्ट या चूंकि मेरे 32 इयर्स की स्टैंडिंग है मेरी,